गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बी कॉम और एम कॉम के सारे सेमेस्टर के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ने हाल में ही में एक सर्कुलर बाहर दिया है और वो जो सर्कुलर है वो है आपके पेपर स्कीम का यस यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन थ्री पेपर स्कीम्स यानी कि आपका जो पेपर है उसका जो स्ट्रक्चर है मार्किंग स्ट्रक्चर उसके लिए यूनिवर्सिटी ने थ्री पेपर स्टाइल दिए हैं यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर में वो तीन पेपर स्टाइल्स दिखाए भी हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में भी दिखाने वाली हूँ और एक्सप्लेन करने वाली हूँ हम एक एक, सर्क, एक, -एक जो शेड्यूल है एक एक जो परिशिष्ट है उसको देखते जाते हैं और समझते जाते हैं ये जो पहला परिशिष्ट है वो बहुत सिंपल है क्वेश्चन वन टू थ्री एंड फोर क्वेश्चन वन के और ऑप्शन में क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू के ऑप्शन में क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री के ऑप्शन में क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर के ऑप्शन में क्वेश्चन फोर और ये चारों क्वेश्चन फोर्टीन यानी कि चौदह मार्क्स का है आपका पेपर टोटली सेवेंटी मार्क्स का है और टू एंड हाफ यानी कि ढाई घंटे का पेपर है आपका चार क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स के हुए और ये चारों क्वेश्चन आइडियली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यूनिट के होने चाहिए आपका जो क्वेश्चन फाइव है वो अगेन फोर्टीन मार्क्स का ही है लेकिन वो जो फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका जो पेपर सेटर है जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर सेट करेंगे वो आपको एम शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स एक या दो लाइन के क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी पूछ सकते हैं अब आप बोलोगे मैम मतलब ये सारे ऑप्शन भी हैं बट जनरली एम के ही चांसेस ज़्यादा है कुछ ऐसे पेपर्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या एक दो मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर वाला जो पॉइंट है वो आ सकता है जैसे कि मैं बात करूँ तो आपका जो बी काम सेम थ्री है उसमें इंडियन फिनंशियल सिस्टम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं बी कॉम सेम फाइव में एम है एम कॉम सेम थ्री एम कॉम सेम वन में मार्केटिंग मैनेजमेंट है एम कॉम सेम थ्री में सी एफ आर है और बी कॉम सेम वन में आपका जो मार्केटिंग मैनेजमेंट और एच आर एम है ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें ये ऑप्शन पॉसिबल है अदरवाइज़ एम सी क्यू के ही चांसेस ज़्यादा हैं लेकिन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो एम सी क्यू प्रिपेयर करो या क्वेश्चन प्रिपेयर करो अल्टीमेटली यू आर एबल टू गिव आंसर तो दिस इज आवर फर्स्ट शेड्यूल पहला स्ट्रक्चर है पेपर का जहाँ पर क्वेश्चन वन की एक क्वेश्चन की ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है ही और चौदह मार्क्स का है चलिए बात करते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर की सेकेंड शेड्यूल की परिशिष्ट दो जिसके अंदर आपको कहा गया है कि क्वेश्चन वन फोर्टीन मार्क्स उसके ऑप्शन में दो क्वेश्चन रहेंगे सेवन सेवन मार्क्स के सो so, फोर्टीन के ऑप्शन में फोर्टीन ही है लेकिन वो जो फोर्टीन है वो सेवन सेवन मार्क्स के हो सकते हैं सेम वे विद द क्वेश्चन टू सेम वे विद द क्वेश्चन थ्री एंड सेम वे विद द क्वेश्चन फोर चौदह मार्क्स के क्वेश्चन के ऑप्शन में आपके साथ साथ मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो so, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें उस वक्त आप ध्यान रखिए कि आपके क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं अगर आपका सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है तो आंसर उसी हिसाब से आना चाहिए और अगर आपका फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका आंसर भी उसी हिसाब से आना चाहिए ये बात खास करके मास्टर स्टडी के बच्चे ध्यान रखें। एम के एम के जिनके क्वेश्चन के आंसर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्वांटिटी क्वालिटी समझ में आ रहा है क्वेश्चन फाइव अगेन द सेम फोर्टीन मार्क्स आपको एम सी क्यू ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स कुछ भी हो सकता है हाँ एक और चीज़ क्योंकि आपके जो एम सी क्यू अगर पूछते हैं तो उन दे विल गोइंग टू आस्क यू ट्वेल्व एम सी क्यू बारह एम सी क्यू पूछेंगे और बारह में से आपको सेवन अटैम्प करने हैं और एक के दो मार्क्स होंगे तो उस हिसाब से फोर्टीन मार्क्स हो जाएंगे राइट सो दिस इज़ योर सेकेंड स्ट्रक्चर द थर्ड शेड्यूल थर्ड परिसिस्ट आपका जो सेकंड है उसमें क्या था कि क्वेश्चन वन फोर्टीन मार्क्स का जिसके ऑप्शन में सेवन सेवन मार्क्स के दो थर्ड सिस्टम में क्या होगा सेवन सेवन फोर्टीन के ऑप्शन में सेवन सेवन फोर्टीन यानी कि आपके साथ सात मार्क्स के जो दो हैं उसके ऑप्शन में सात सात मार्के वापस सेम वे विद द क्वेश्चन टू सेम वे विद द क्वेश्चन थ्री एंड सेम वे विद द क्वेश्चन फोर यानी कि सेवन सेवन मार्क्स पे वो ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे और क्वेश्चन फाइव वंस अगेन द सेम थिंग एम सी क्यू शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ट्रू एंड फॉल्स एनी थिंग आउट ऑफ ट्वेल्व यू हैव टू अटैम्प सेवन बारह के ऑप्शन बारह आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको सेवन अटैम्प करने हैं अब आपके अगर पेपर सेटर इनमें थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहे तो ला सकते हैं जैसे कि फोर्टीन के ऑप्शन में सेवन सेवन क्वेश्चन वन में पूछा और क्वेश्चन टू में उन्होंने फोर्टीन फोर्टीन ही रखा ऑप्शन में तो वो कर सकते हैं राइट तो यहाँ पर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होंगे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती होगी ऐसा नहीं कि जो लिखा है एग्जैक्ट वही होना चाहिए मेन कंसेप्ट जो है मेन जो उसका मतलब है वो समझ में आ जाना चाहिए कि आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और आइडियली अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं है लेकिन हम ये मान के ही चलते हैं कि चार क्वेश्चन मतलब आपके चार यूनिट और आपको चारों यूनिट ही रेडी करने चाहिए ओके चलिए तो ये हुआ आपका आ, टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर पेपर स्टाइल है आपका जो यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल्स में दिया हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ, उसकी फ़ाइल रख दूँगी ताकि आप चेक करें कि भैया यूनिवर्सिटी ने ही ये दिया है और मैं जो वीडियो आपको दिखा रही हूँ और जो समझा रही हूँ उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने के लिए अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्या है इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आई विल आंसर योर क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट ऑफ लक बाय एवरी